जैन के हवाले से जो इस्लामी तालीमात हैं, मियाँ बीवी के हवाले से जो इस्लामी तालीमात हैं, क्या है मुफ्ती साहब, कुछ फरमाइएगा। जी, इसमें इजमाली तौर पे अगर शोहर के हक़ के बारे में देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं किसी मखलूक को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों को हुक्म देता कि वह शोहरों को सजदा करें। यानी इतना अल्लाह ने उसका मकाम व मरतबा रखा है। एक रिवायत के मुताबिक कुछ वालदैन थे, वो अपनी एक बच्ची को लेकर आए कि रसूलल्लाह ये शादी नहीं करती है। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह दरियाफ़्त की तो उसने अर्ज़ की, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मुझे बताइए कि शोहर का बीवी पर हक़ क्या है। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शोहर का ये हक़ है कि अगर उसका पूरा जिस्म खून और पीप से भरा हो और औरत अपनी ज़बान से चाट कर उसको साफ़ कर दे तब भी उसका हक़ अदा नहीं कर सकती। मुराद ये है, ये तो एक हिस्सी मिसाल दी सरकार ने जो काबिल कराहत है, यानी बज़ाहिर कराहत आती है। मुराद ये है कि शोहर की तरफ से कितने ही नापसंदीदा मामलात हों, बीवी को सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। तो उस बच्ची ने कहा, या रसूलल्लाह बस यही बात है कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि मैं ये हक़ अदा कर सकूंगी। अच्छा। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिदैन को फिर मना कर दिया कि इसको फोर्स ना किया जाए। अच्छा। तो ये तो एक इजमाली शोहर का एक मकाम मरतबा। और इसी तरह ख़वातीन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबों में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं तुम्हें औरतों के मामले में अल्लाह से डराता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस कमज़ोर मखलूक को तुम्हारे ताबे किया है, तुम इनके बारे में हमेशा अपने अल्लाह से डरते रहना। तो ये एक इजमाली तौर पे दो तालीमात हमारे सामने हैं कि शौहर का बड़ा हक़ है और बीवी के मामले में डरते रहें। अब अगर हम थोड़ी सी तफसील में जाएँ तो बीवी का हक़ ये है कि शौहर उसको नान नफका दे जिसमें खाना पीना लिबास और रहाइश दाखिल है। रहाइश का तस्वुर ये है कि अगर जॉइंट फैमिली भी है, एक रूम अगर वो ऐसा दे देता है जिसमें लड़की अपने प्राइवेसी की हिफाजत कर सकती है तो ये काफ़ी है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक अलग रहाइश उसको लेकर देनी होगी, और लिबास और खाना पीना। और ये अव्वलन जो है वो अगर शोहर मालदार है तो फिर औरत के मुताबिक होता है। मसलन इसने तीन बीवियां कर लीं, एक मालदार है, एक मिडिल क्लास की, एक लोअर क्लास की है, और ये मालदार है, तो तीनों को, यानी मालदार को तो मालदार का ही तरह का नान नफका देना लाजिम होगा, औसत दर्जे वाली को औसत दर्जे का और गरीब को औसत दर्जे का। और अगर शोहर मिडिल क्लास का है तो फिर अमीर को मिडिल क्लास का ही देगा, मिडिल को मिडिल देगा और गरीब को गरीब वाला दे सकता है, और ख़ुद गरीब फ़कीर और तीनों से शादी कर ली तो तीनों को गरीबों वाला देगा। तो ये भी एक है हक़ के हक। किस औरत का कैसा है, यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई बच्ची ऐसे घर से आई है जहाँ खाना पकाने वाला हो, सफाई करने वाला हो, माली मौजूद हो, ड्राइवर मौजूद हो, तो अब अगर शोहर अफोर्ड कर सकता है इसको ये तमाम के तमाम बीवी को देने पड़ेंगी चीज़ें। अच्छा। ये उसका हक़ होता है, तो ये इसको भी समझना चाहिए। इससे वो सासें भी ज़रा गौर करें, नाराज़ ना हो कि अगर बहू आई है किसी ऐसे घर से जहाँ सब सहूलतें और ये दे सकते हैं तो मासी को भी निकाल देते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं नहीं बहू से काम करवाऊँगी। तो ये भी एक बेजा ज़िद है हमारे यहाँ कि जो झगड़ों का सबब बनती है, तो समझना चाहिए, सीखना चाहिए। इसके अलावा बीवी की तरबियत करना शोहर के ऊपर बहुत बड़ा हक़ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और घर वालों को जहन्नम की साख से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। और मर्द हजरात अक्सर इस हक़ से गाफिल हैं। बीवी अगर आई है उसे अकीदे की मारिफत हासिल नहीं है तो वो देनी होगी, अहकाम शरईया अमलिया सिखाने होंगे, गुनाहों की मारिफत देनी होगी, उसको गुनाहों से रोकना होगा, उसे नेकी का हुक्म देना होगा। ये औरत का हक़ है, जो अगर शोहर जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो जहन्नम का अजाब है। इसके अलावा उसको बुरी सोहबतों से रोकना ये बीवी का हक़ है जो शोहर के ऊपर लाजिम कर दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि किसी फासिका फाजरा औरत को घर में दाखिल होने दिया जाए। एक हिजड़ा था, वो पहले आया करता था, और तो एक दफ़ा उसकी गुफ्तगू सरकार ने समाअत फरमाई जो गैर मुनासिब थी, तो फरमाया आइंदा कभी ये घर में दाखिल ना हो। और एक ने अपने हाथ पर वो लगा ली थी मेहंदी तो उसको जिला वतन कर दिया था। अच्छा। तो यानी घर के अंदर सोहबत में भी देखना होगा। इसलिए आला हजरत इमाम सुन्नत ने लिखा कि अगर शोहर की बीवी की बहन यानी साली सिस्टर इन लॉ वो फासिका फाजरा है तो शोहर पर वाजिब है कि अपनी बीवी को उससे मिलने से रोके। क्योंकि उसकी बुरी आदत इसमें सरायत कर जाएंगी। और शोहर के हुकूक अगर देखा जाए तो एक तो ये कि औरत उससे ज़रा धीमे लहजे में गुफ्तगू करे, अकड़ कर बात करना, सख्त लहजे में गुफ्तगू करना, उसकी तहकीर करना, तौहीन करना, गलत किस्म के अल्फाज। एक शोहर ने मुझे बाहर से बड़े मजलूमाना अंदाज में कहा कि यार मुफ्ती साहब आज तो मेरी बीवी ने मुँह पर थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा बेटा सब्र ही कर, क्या कर सकते हैं, तुमने ही सारा ये खुद। अच्छा, सब्र पर अजर है मुफ्ती साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत अजर है इसमें, तो बड़ा ही अजर अजीम है। इसी तरह गालियां देना शोहर को, और इसी तरह अगर शोहर जिस्मानी ताल्लुक के लिए बुलाए और कोई शरई उजर ना हो, कोई शरई वजह,
तो औरत को मानना वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर शोहर बीवी को अपने पास बुलाए और बीवी इनकार कर दे तो पूरी रात फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। और एक रिवायत में फरमाया कि जब तक वो रुजू ना कर ले उस पर लानत होती रहेगी। ये भी बहुत सख्त बात है, इससे हमारी बहनें दर्स हासिल करें जो अपने मुतालबात मनवाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग का एक ये तरीका इख्तियार करती हैं, मुझसे बात ना करो, किचन में निकल जाएंगी, शोहर इजहार मोहब्बत करना चाहे रूडली रवैया रख लेंगी, करवट वो बीच में तकिया रख देंगी, गांव तकिया एक बॉर्डर कायम कर देंगी, करीबी ना आए। अब वो शोहर बेचारा तड़प रहा है, वो भी जानती है कि शोहर जो है उसको इसी तरह मैं कायल कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं सोच रही कि पूरी रात फरिश्ते लानत करते रहेंगे और इसी हालत में मर गई तो क्या अंजाम होगा। ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को शोहर की इताअत का हुक्म दिया, बिल्कुल, कि वो कहना माने, कोई ऐसी काम ना करे जिसको उसके दिल आजारी हो। हाँ, बस ये जैसे हजरत ने भी बयान फरमाया माँ बाप का हक जो आपने पूछा शोहर का भी, इन तमाम हुकूक में एक बात बस याद रखने वाली है कि उस वक्त तक इताअत होगी जब वो अल्लाह ताला उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ हुक्म ना दें। सही, क्योंकि नबी करीम ने मना फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व ताला की मासियत में किसी मखलूक की फरमा बरदारी जायज़ नहीं। उसमें अगर माँ बाप गुनाह का हुक्म दें या शोहर बीवी को हुक्म दें, मसलन पर्दा ना करो, एक खातून ने कहा मेरे शोहर कहते हैं मेरे दोस्तों के सामने बेपर्दा बैठो, मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है, तो मेरे शोहर ने कहा जब मैं उनके घर जाता हूँ उनकी बीवें भी मेरे सामने बैठती हैं। यानी कितनी ज़बरदस्त दलील दी है उसने, देखें कि भाई वो जब दावत नज़ारा दे रहे हैं तो तुम भी इसके लिए राज़ी हो जाओ। और बाज़ बीवियों को ऐसे कपड़े पहनने का हुक्म देते हैं, ऐसा फैशन करने का हुक्म देते हैं जो शरीयत में जायज़ नहीं है, ऐसी सूरत में बीवी को नहीं मानना होगा। इसी तरह एक बहन ने मुझे अभी कल ही एक मैसेज किया कि मेरे शोहर हालत रोज़ा में जिस्मानी ताल्लुक कायम करने को कहते हैं, खुद रोज़ा नहीं रखते और मुझे कहते हैं जिस्मानी ताल्लुक कायम को, मैं हालत रोज़ा में होती हूँ क्या करूँ बताएं, और वरना मुझे तलाक की धमकियाँ देते हैं और मारपीट करते हैं। इन्हें जुल्म की कोई इंतहा है आप अंदाज़ा करें, और जहालत की इंतहा है। इसमें फिर बहन को ये कहा कि आप अपने मौके पर कायम रहें, अल्लाह आपकी मदद करेगा, लेकिन इसमें मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसीलिए हमने कहा कि मारिफत हासिल जब तक नहीं होगी तब तक हम सही बैलेंस लाइफ नहीं गुजार सकते, डिसबैलेंस ही हमेशा कायम रहेगी। एक अपना हक समझ कर उसको हासिल करेगा, फर्ज से गाफिल रहेगा, दूसरा दूसरी चीज को हक समझेगा और उससे गाफिल रहेगा, और इस तरह ये दोनों फिर बरोदे क़यामत एक मुआवजे में गिरफ्तार होंगे और अपने बच्चों के लिए बुरे रोल मॉडल बनेंगे। इसलिए इन तमाम चीजों पर तवज्जो रखनी चाहिए।